ये हमारे श्रीधाम वृंदावन के नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, जो कि वृंदावन के अंदर में ये सफाई व्यवस्था को करने के लिए निकले हुए हैं। जबकि आज 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई आग्रह किया है जनता से कि कोई भी अपने घरों से न निकले, फिर भी ये लोग अपने कार्य के लिए, ये वृंदावन का शोध संस्थान है, ये वृंदावन का प्रमुख मार्ग है, जो दिल्ली से लोग आते हैं, जो दिल्ली से लोग वृंदावन के लिए आते हैं, ये यही मार्ग से ये वृंदावन के अंदर में जाते हैं। ये देखो एक महिला जा रही है, ये आप कहाँ जा रही हो इस समय में? श्री कृष्णा आश्रम। क्यों जा रही हैं आप कृष्णा आश्रम में? वहाँ काम है, उनने बुलाया है काम। नहीं तो आज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि कोई भी बाहर नहीं निकले, फिर भी उन्होंने अपने कार्य के लिए बुलाया हुआ है। पूजा है, हवन है, मैं हवन करने जा रही हूँ। अच्छा, आप हवन करने के लिए जा रही हैं, ये हवन करने के लिए जा रही हैं। और ये हमारे वृंदावन के नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये जमादार भी हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक की ड्यूटी आपकी? धर्मेश सुपरवाइजर, विद्यापीठ चौराहे से इस्कॉन टेम्पल रमणरेति रोड, पूरा 67 मेरा वार्ड है, पूरे वार्ड में कर्मचारी तैनात हैं और लगे हुए हैं कोरोना वायरस को मारने के लिए, भगाने के लिए। और स्वच्छता सफाई सैनिक हमेशा तत्पर है और हमेशा ऐसी लड़ाइयों से लड़ता रहेगा, ऐसे कोरोना वायरस से लड़ता रहेगा और देश को बचाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं सुपरवाइजर हूँ इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर में, और मैं इनको वैसे काफ़ी समय से जानता भी हूँ, मैं बहुत अच्छी अपनी सेवाओं को देते हैं। जब भी कोई कार्य के लिए इनको फ़ोन करता है या बुलाता है, तुरंत अपनी टीम को लेकर के उस कार्य के लिए वहाँ पर पहुँचते भी हैं और अच्छे सुचारू रूप से खड़े होकर के अपनी निगरानी में उस कार्य को पूर्ण कराते हैं। अच्छा, अभी नगर निगम के अंदर में जैसे कि गर्मियों का समय आने वाला है, फॉगिंग वगैरह भी कराते हैं, और जैसे कि मैं नगर निगम से ये चाहूँगा कि वृंदावन के अंदर में एक फॉगिंग करा दी जाए, जिससे कि जो छोटा मोटा वायरस भी है वो भी ख़त्म हो जाए। समय समय पर फॉगिंग वगैरह, गैमेक्सिंग, वाट डाई का इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह पर बढ़िया तरीका से कोरोना वायरस को भगाने के लिए। और सफाई सैनिक हमेशा देश को सुरक्षित सफाई व्यवस्था देने के लिए तैयार है, और बाल्मीक समाज के लोग सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। चलो भैया, बहुत अच्छा है, इनका कार्य को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है।